हेलो नमस्कार दोस्तों, 1 अगस्त 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से एडिटोरियल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात करें साइड में जो बड़ा आर्टिकल है मैन पेज पे, इस आर्टिकल में बेसिकली डिस्कस किया गया है कि श्री कृष्णा जो कमेटी की रिपोर्ट आई है उसके बारे में, इसी के साथ ही इसमें डिस्कस किया गया राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट के बारे में। तो उसमें 2-4 पॉइंट्स है राइटर की तरफ से, तो उनको हम थोड़ा देख लेंगे क्या क्या पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। यहाँ पे साइड में जो छोटा आर्टिकल है ये बेसिकली आया है NRC के बारे में कि भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है वो अभी उसकी सेकंड लिस्ट है वो जारी की गई थी, सेकंड ड्राफ्ट है वो अभी जारी किया गया था आसाम को लेके, तो उसके बारे में काफ़ी ये संदिग्धताएं हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल आया है ये साइड में ये आया है एक्चुअली कुर्दिस्तान के बारे में, या आप बोल सकते हो सीरिया या मिडिल ईस्ट के बारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस आर्टिकल को थोड़ा हम देखेंगे अच्छे से, लोकेशंस वगैरह वो भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर यहाँ पे बात करें ये जो बड़ा आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये बेसिकली आया हेल्थ को लेके, पब्लिक हेल्थ केयर और इसमें जो प्राइवेट हेल्थ केयर है उन दोनों को फोकस यहाँ पे किया गया है, क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उन चैलेंजेस को हम निपटे हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया है। तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे नजर आउट है वो करने वाले हैं। फिर बात करें हम यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये बेसिकली ये आया है इंडिया पाकिस्तान प्रोग्रेस के बारे में, और बेसिकली इसमें इंडिया और यूएसए के रिलेशन को भी डिस्कस हो किया गया है। तो उसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट इतने लगे नहीं मेरे को उस इंटरव्यू के फॉर्म में कि जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस इंटरव्यू में, तो इससे हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस वो नहीं कर रहे, कुछ 2-4 पॉइंट्स होंगे तो उनको देख लेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये बेसिकली आया है US, चाइना, इसी के साथ साउथ कोरिया और इंडिया के तीनों का एंगल यहाँ पे डिस्कस वो किया गया है। तो एक बार इसको भी हम देख लेंगे क्या क्या सीन वगैरह चल रहा है, क्योंकि जैसा कि अभी हम जानते हैं कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट थे उनकी भी इंडिया विजिट है वो हुई थी मून जेन की, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस और कुछ पॉइंट्स किए गए। यहाँ पे जो आर्टिकल है ये कुछ भी काम का नहीं है, DMK जो तमिलनाडु की पार्टी है उसको लेकर डिस्कस किया गया, तो राजनीति आ गई तो कुछ ये हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ, तो जो जो फैक्ट्स हैं उनको सब हम यहाँ पे देखते चलेंगे। सबसे पहले हम NRC के बारे में जो आर्टिकल है इसके बारे में देखो, वैसे तो हमने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इससे पहले जब से फर्स्ट लिस्ट थी या बोल सकते हो कि फर्स्ट ड्राफ्ट जब जारी किया गया था उसके बारे में हमने डिस्कस वो किया था। तो बेसिकली पहली बात तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें ये जाननी है कि जो सिटीजनशिप की बात होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, तो भाई ये काम होता है होम मिनिस्ट्री का। तो अभी NRC बनाई क्यों गई थी पहले तो एक बार ये देख ले, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बैकग्राउंड की तरफ। देखो सीन ही हो रहा था कि आसाम के अंदर जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी वगैरह आए थे वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, तो वहाँ का जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा था, इसीलिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है वो बनाया, सिटीजन है वो बनाया गया ताकि इंडिया के नागरिक कौन कौन है इनको आइडेंटिफाई किया जा सके। मतलब एक तरह का एक रजिस्टर बनाया गया उसके अंदर नाम लिखे गए सभी कि भाई ये लोग हैं ये इंडिया के नागरिक हैं, ये बेसिकली इसमें काम हो किया गया था। तो जो पहली बार ऐसा काम हुआ था वो तो होता 1951 में। अब एक तो दो ये चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि पहली बार ऐसा हुआ कब था और कौन से स्टेट के लिए। तो देखो आसाम के लिए बनाई गई थी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो बनाई गई थी 1951 में। इसके बाद में वापस क्या हुआ आपको पता है कि 1971 के टाइम पे वापस बांग्लादेश में क्राइसिस से आ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे वो ईस्ट बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और वहाँ पे पाकिस्तान का ही रूल है वो था, इसलिए वहाँ से जो रिफ्यूजीज थे वो काफ़ी बड़ी तादाद में इंडिया में आ रहे थे और मेनली वो बांग्लादेश से शिफ्ट होते हुए कहाँ शिफ्ट हो रहे थे आसाम में, तो इसीलिए वहाँ पे इश्यू बहुत बड़ा क्रिएटिव हो रहा था। और उसी चीज़ से निपटने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की और गवर्नमेंट ने शिमला कोड है वो अभी वहाँ पे साइन हो गया ताकि वहाँ पे जो भी बांग्लादेश से रिफ्यूजी वगैरह हैं एक्स्ट्रा लोग हैं उनको बाहर निकाला जा सके और जो वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको बचाया जा सके आसाम के लिए। तो इसलिए फिर उसमें ये प्रावधान किया गया कि भाई आसाम के नागरिक कौन कौन है उनको डिसाइड करने के लिए बनाया गया था। तो आसाम के नागरिक कौन है वो उसमें ये बताया गया कि 1971 से पहले जो लोग बांग्लादेश से आके या कहीं से भी आके आसाम में शिफ्ट हो गए हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है वो तो वहाँ पे रह जाएंगे, बट 1971 के बाद में जो भी लोग आएंगे उनको वहाँ पे नहीं रखा जाएगा और उसी को लेके अभी लिस्ट है वो जारी की गई है। तो इस चीज़ को लेके राइटर कुछ इश्यूज भी उठा रहे हैं, कुछ एथिकल इश्यूज भी हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट भी हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स के सपोर्ट में भी है, तो उन सब पॉइंट्स को हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। तो हमने थोड़ा एक तो बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया अच्छे से ताकि चीज़ें वो रिवाइज भी हो जाए और सारा सीन हमें समझ में आ जाए। देखो वैसे तो सारा काम है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ था, बट राइटर ये कह रहे हैं कि सारा काम डिजिटल हुआ है, इसके साथ ही देखो ह्यूमन का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जिन 40 लाख लोगों का नाम एक्चुअली इस लिस्ट में या इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं कि वो सारे के सारे ही इंडिया के नागरिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर त्रुटि हुई है तो उसको ऑब्वियसली चेंज है वो किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने इस चीज़ का आश्वासन है वो भी दिया है। इसके बाद में देखो बात यह कि इस टाइम पे क्या क्या स्टेप हमें उठाने हैं, कैसे काम करना है, वो थोड़ा राइटर बता रहे हैं कि देखो अभी जो रूमर्स हैं अफवाहें वो काफ़ी बड़ी मात्रा में फैलने वाली
कि भाई आसाम में लोगों को बाहर निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, तो एक तो इस दौरान जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी होती है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे अवेयरनेस है, अलर्ट है, वो रखना होगा। इसके साथ ही कुछ एथिकल इश्यूज आप बोल सकते हो कि ह्यूमन राइट्स के लिए इश्यू कौन कौन से होते हैं। देखो आप एक चीज खुद सोचिए, जो लोग 1971 ये मान लो कि 1972 में आए थे, 1972 में आके वो लोग आसाम में बस गए, तो आज उन लोगों को तो कितना टाइम हो गया है, अगर आप देखो उन लोगों को तो लगभग 35-40 साल हो गए, तो 35-40 साल में तो उनकी लाइफ यहाँ पे सेट हो गई, उन्होंने अपना बिजनेस सेटल कर लिया, उनके बच्चे परिवार सब है वो यहाँ पे, मतलब सब एक तरीके से फैमिली पूरी सेटअप हो गई है। अब उन लोगों को अगर इंडिया से वापस भेजना बांग्लादेश, वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी अनरिलेवेंट है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंसानियत के खिलाफ है। भाई जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं उनको तो आप भेज सकते हो, बट जो लोग 40-50 साल से वहाँ पे सेट हो गए हैं उनको आप कैसे बाहर निकालोगे? तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा एथिकल इश्यू हो जाएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे सेटल हो चुके हैं उनको तो आप बाहर निकाल नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार ही यहाँ पे सेट हो गया है, उनके पूरे रिलेटिव हैं, उन्होंने शादी वगैरह यहाँ पे कर ली है, तो उनको भी आप बाहर कैसे निकाल पाओगे? तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी स्टेप उठाने होंगे, और एक ऐसी अप्रोच हमें लेके चलनी होगी ताकि जो भी इश्यूज आए हैं सामने कि भाई 40 लाख लोग हैं वो इंडिया के नागरिक नहीं है, ऐसी बात आई है, उनमें जो भी त्रुटि है उनको दूर किया जा सके। तो जो सारा फंडा था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है बेसिकली मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के बारे में। तो पहली बात तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मिडिल ईस्ट क्या है और वेस्ट एशिया सीन क्या है, वो देखते हैं। देखो एक सेकंड, हम ये मान लो बात मैं बना लेते हैं मोटा मोटा, ये मान लो कि ये यहाँ पे होगा यूएसए, यहाँ पे साउथ, ये मान लो पूरा यूएसए वाला एरिया होगा यहाँ पे, ये यूरोप वाला हो गया, और ये यहाँ पे होगा एशिया वाला एरिया। अब देखो यूएसए के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट क्या हुआ, मतलब मिडिल ईस्ट मतलब ये बीच वाला हिस्सा होगा, ये होगा मिडिल ईस्ट। तो यूएसए तो क्या बोलता है, जो सीरिया वाला एरिया ना इसको बोलते हैं मिडिल, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो तो इस हिस्से को बोलते हैं मिडिल ईस्ट के नाम से। और अब इंडिया क्या बोलेगा, इंडिया के तो ऑब्वियसली वेस्ट में, तो इंडिया इनको बोलता है वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये कई बार कंफ्यूज होते हैं काफी लोगों में कि यार वेस्टर्न कंट्रीज और मिडिल ईस्ट कंट्रीज सेम कैसे, वो इसीलिए हुई, इंडिया के नजरिए से हम देखेंगे तो ये होगी वेस्टर्न कंट्री, सॉरी ये जो मिडिल वेस्ट हो गया वो हो गया यहाँ पे, आप बोल सकते हो तरीके से वेस्टर्न एशिया हो गया। और बात करें हम यहाँ पे यूएसए के अकॉर्डिंग, तो यूएसए के अकॉर्डिंग हो गए मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल हो गया बीच वाला हिस्सा और ये हो गया यहाँ पे ईस्ट वाला, तो इसलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया कैसे कैसे अलग अलग है। इसके बाद में चलते हैं आगे। आगे देखो इसमें बेसिकली डिस्कस किया गया आज के टॉपिक में कुर्दिस्तान के बारे में, तो हम देख लेते हैं सारा सीन क्या है, कुर्दिस्तान सीरिया मिडिल ईस्ट का सारा मैप यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। ये तो आ गया हमारा इंडिया, और अब हम चलते हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया की तरफ। ये देखो यहाँ पे वेस्ट एशिया वाला मैप आप देख सकते हो, यहाँ पे ये टर्की है, टर्की का इस्तांबुल वाला एरिया है, ये आता है यूरोप में, बाकी सारा एरिया टर्की का वो यहाँ पे आता है एशिया के अंदर। यहाँ पे जॉर्जिया जो कि यूरोप में आता है बेसिकली। फिर हम बात करें यहाँ पे, ये सीरिया हो गया, ये इराक हो गया, इराक की कैपिटल बगदाद है, सीरिया की कैपिटल है वो है यहाँ पे आपको दमास्कस, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो ये वाला एरिया काफी सेंसिटिव होता है, तो इसकी तो आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है और कौन सी कंट्री कौन सी सिटी क्या है। फिर यहाँ पे बात करें सऊदी अरब, तो ये होगा सऊदी अरब या कतर वगैरह, तो इनको तो छोड़ो हम यहाँ पे चलते हैं मैनी, ये होगा यहाँ पे जॉर्डन, और ये होगा थोड़ा इसराइल, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, ये इसराइल हो गया यहाँ पे, ये लेबनान हो गया। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें डिस्कस की गई हैं, एक तो ये डिस्कस किया गया कि कुर्दिस्तान वाले एरिया की कुर्द क्या है। देखो कुर्द एक कम्युनिटी है जो कि बेसिकली आपको थोड़ा ध्यान से देखना, एक तो ये जो टर्की वाला एरिया ना, ये वाला एरिया जहाँ पे कर्सर देख रहे हो आप, ये वाला एरिया, इसके साथ ही थोड़ा सा एरिया सीरिया का भी आ जाता है, और थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे इराक का भी आता है, और कुछ हिस्सा जो ईरान का भी यहाँ पे आ जाता है, मतलब इनको मिला के थोड़ा सा एरिया हो गया, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो ये सीरिया के ऊपर का, थोड़ा एक सेकंड रुको, थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक सेकंड। हाँ इस मैप में आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से की लोकेशन यहाँ पे। ये अब देख लो थोड़ा बार बार कर्सर मूव हो रहा है, ये रहा है टर्की का ये वाला एरिया आप देख रहे हो, ये सीरिया का, और ये इराक और ईरान, इनको मिला के जो मैंने अभी एरिया हाईलाइट किया ना, इस वाले एरिया को बेसिकली कुर्द या कुर्दिस्तान के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो कुर्द कम्युनिटी है ना, ये चाह रही है कि भाई इस वाले एरिया को कुर्दिस्तान के नाम से एक नई कंट्री हो बनाई जा सके लिए। अब देखो ऑब्वियसली बात, कुछ कंट्रीज तो इसका विरोध कर रही है, कुछ के पास ऑप्शन नहीं है। तो अभी हो क्या रहा है कि सीरिया के अंदर जो कुछ हिस्सा है, लगभग सीरिया का 33% जो हिस्सा है ना, उस पर कुर्द लोगों का अधिकार है, मतलब वहाँ पे कुर्द कम्युनिटी है, उसकी ताकत ही चलती है, कुर्द कम्युनिटी का ही बोलबाला है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अफगान के अंदर देखा जाए तो लगभग आधे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल है, उसी तरीके से वहाँ पे, जबकि है तो एक तरीके से अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी, बट फिर भी वहाँ पे मैक्सिमम जो सत्ता है वहाँ पे, वो वहाँ पे तालिबान के पास है। तो सेम वही बात यहाँ पे है कि सीरिया में 33% जो हिस्सा है ना, इस पे यहाँ पे कुर्दिस्तान या कुर्द लोगों का अधिकार है, हुआ तो वो अपना यहाँ पे अधिकार है करते रहते हैं। उनकी डिमांड ये कि भाई इस वाले एरिया को मिला के कुर्दिस्तान एक नई कंट्री और बनाई जा सके, ये बेसिकली यहाँ का थोड़ा सीन हो मैंने आपको बता दिया है।
अब हम चलते हैं आगे हमारे पॉइंट की तरफ। देखो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या है, बेसिकली आपको पता है कि सीरिया में सिविल वॉर चढ़ा था, फिर वहां पे आईएसआईएस है उसका भी आतंकी हमला हो गया था और उसकी वजह से काफी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ गई थी। तो अभी वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। सीरिया की कैपिटल जैसे मैंने आपको बताया दमास्कस है, इसके साथ ही वहां पे जो भी सीरिया के अंदर गवर्नमेंट है रिसेंटली वो है बशर अल असद की, मतलब सीरिया में बशर अल असद है उनकी रेजिम है, उनकी सरकार है वो भी वहां पे चल रही है। असद गवर्नमेंट एक तरह से इनको बोला जाता है कि असद रेजिम की वहां पे सरकार है वो चल रही है। बट दिक्कत यह कि जो ये असद गवर्नमेंट है ना, इसकी यूएसए यूके फ्रांस के और सऊदी अरब के साथ बनती नहीं है, मतलब इनके साथ इनका 36 का आंकड़ा रहता है। और बात किया जाए तो ईरान और रसिया वो दोनों इसको सपोर्ट है वो करते रहते हैं। तो इसलिए हो क्या रहा है, ये यहाँ पे एक तरीके से बिग गेम खेलने वाली कंट्री आ गए हैं। एक साइड तो हो गए यूएसए यूके फ्रांस और एक साइड हो गए रसिया एंड ईरान, ये दोनों ही कंट्री यहाँ पे इनडायरेक्टली वॉर है वो लड़ रही है। मतलब यहाँ पे कुछ ग्रुप को तो यहाँ पे रसिया और ईरान है वो सपोर्ट कर रहा है सीरिया के अंदर, कुछ ग्रुप को यहाँ पे यूएसए यूके फ्रांस है वो सपोर्ट कर रहा है और फिर उनको आपस में लड़ा जा रहा है। उस तरीके से यहाँ पे सिविल वॉर है वो चल रहा है और यूके है जो फ्रांस हुआ सऊदी अरब हुआ ये आपस में सारे वाले एरिया में मिलकर एक साथ यहाँ पे काम है वो कर रहे हैं बेसिकली। अब देखो इश्यू यहाँ पे हुआ कि कुर्दिस्तान ने जो ही जो कुर्द लोगों ने नई कुर्दिस्तान की मांग की ना, तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो इसका विरोध करने लगी। और एक अहम बात है कि जो असद गवर्नमेंट है यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करती है यूएसए वगैरह का, तो यूएसए इससे नाराज रहता है और यूएसए ये चाहता है कि यार कैसे भी हो ये असद रेजिम है ना इसको यहाँ से सीरिया से हटा दिया जाए और हमारी खुद की एक तरीके से सपोर्ट वाली सरकार है वो बने। जैसा कि देखो हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि ईरान के अंदर अभी यूएसए के सपोर्ट वाली गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए ही यूएसए ने ईरान की न्यूक्लियर डील को कैंसिल वो किया था, क्योंकि 1979 से पहले ईरान के अंदर जो यूएसए चाहता था वही होता था। बट उसके बाद वहाँ पे ईरानी रिवॉल्यूशन हुई थी, उसके बाद सारे चेंजेस वहाँ पे सामने हैं वो आए थे। सेम वही काम ये वो यहाँ पे सामने ही आया कि यूएसए और यूके थे ये एक्चुअली आप में एक साथ मिलके, फ्रांस यहाँ पे साथ आ गया और सऊदी अरब मिलके आ गया, तो इस वाले एरिया में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ गई थी। यहाँ पे बेसिकली मैं थोड़ा हाईलाइट है वो देख ली। अब सीन जैसा ये मैंने आपको बताया कि यूएसए यहाँ पे लगातार क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटरवेंशन वो करता जा रहा है। यूएसए ये चाह रहा है इस वाले एरिया के अंदर कि भाई कैसे भी हो जो बशर असद की गवर्नमेंट है इसको यहाँ से हटा दिया जाए और उनकी खुद की मतलब जानी पहचानी सरकार है उसको यहाँ पे बनाया जा सके, इसके लिए यहाँ पे खिंचातानी है वो चल रही है। अब बातें करें हैं आगे की, आज की जो न्यूज में क्या है, आज के जो आर्टिकल में, आज के आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है कि सीरिया के जो असद रेजिम है वो और जो कुर्द कम्युनिटी है सीरिया के अंदर 33% हिस्से में जिसने अधिकार करके है वो, उन दोनों के बीच में भी बातचीत का माहौल है वो तैयार हो रहा है। मतलब असद रेजिम है वो कुर्द के लोगों से बातचीत करने के लिए तैयार है ताकि वहाँ पे शांति वगैरह वो बनाई जा सके और इससे वहाँ पे एक शांति का माहौल है वो भी एडजस्ट वो हो जाएगा। तो ये सारी बात यहाँ पे की जा रही है। तो वो कुर्द कम्युनिटी पहले तो ऑटोनोमी को लेकर रिमांड होकर रही थी, बट आज के टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया कि वो इराक टर्की सीरिया और इसी का ईरान का भी कुछ हिस्सा है उस वाले एरिया को मिला के कुर्दिस्तान एक नई कंट्री की मांग है वो कर रही है। और अभी रिसेंटली है कि रसिया ने भी कहीं ना कहीं थोड़ा यूएसए को इस चीज़ में बातचीत हुई और तो मामला सामने ही आया कि भाई यूएसए भी थोड़ा असद रेजिम को न्यूट्रल रखेगा ताकि वहाँ पे असद के द्वारा शांति है वो स्थापित की जा सके। तो ये सारा सीन अभी वहाँ पे चल रहा है मिडिल ईस्ट का या वेस्ट एशिया का, तो उसे हमने एंगल से डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पे वो है डीपीएसपी के बारे में, तो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो बेसिकली इस आर्टिकल में कुछ ज्यादा पॉइंट्स है नहीं, राइटर अपने पॉइंट है वो यहाँ पे दे रहे हैं। राइटर का सीधा सीधा कहना यही है कि भाई राइट टू प्राइवेसी की बजाय हमें जो डीपीएसपी है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों फोकस करना चाहिए, राइटर का ये कहना है कि देखो जो लोग हैं या आप बोल सकते हो कि सोसाइटी के सारे लोग हैं उनको कोई भी अधिकार देना हो या कोई भी फैसिलिटी देनी हो तो इसका काम कौन करती है, सरकार करती है। अगर भाई सरकार के पास कोई पावर ही नहीं होगी तो सरकार लोगों को सुविधा कैसे देगी। मतलब जो डीपीएसपी है वो तो सरकार को पावर देते हैं ना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए डीपीएसपी है उनको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, फंडामेंटल राइट की हमें कोई इतनी ज्यादा जरूरत है वो यहाँ पे नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं राइटर सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि देखो भाई फंडामेंटल राइट्स है ना कि आप कह रहे हो कि राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल है, इस चीज को हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए और थोड़ा न्यूट्रल करके रख सकते हैं हम इसको, क्योंकि डीपीएसपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जो डीपीएसपी है वो हमारे पूरे स्टेट को इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं कि भाई वो जनता की भलाई है वो करें या जनता को फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करें। तो राइटर का थोड़ा सा ये पॉइंट है, हो सकता है कि आप इसी से एग्री हो या नहीं हो, बट राइटर के द्वारा जो पॉइंट बताया गया वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बट आप एक चीज जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज ये कहता है, प्रावधान है इसमें कि भाई फंडामेंटल राइट है उनका कोई भी वो लेते हैं उल्लंघन है वो नहीं हो सकता। डीपीएसपी है वो आपको पता है कि बाइंडिंग नहीं होते हैं, तो इसलिए उनको अप्लाई किया भी जा सकता है नहीं भी किया जा सकता, ये चीज हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो इसमें बस यही इनके द्वारा एक पॉइंट है वो डिस्कस किया गया, तो उसे हमने यहाँ पे देख लिया। बाकी सारी वो पुट्टा स्वामी जजमेंट है वो डिस्कस की गई है जिसको हमने काफी बार यहाँ पे डिस्कस है वो किया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है हेल्थ केयर को लेके। देखो हेल्थ केयर के बारे में यहाँ पे ये बताया गया कि पब्लिक हेल्थ केयर और जो प्राइवेट हेल्थ केयर है ये दोनों अभी हमारे देश में मिलके साथ है वो नहीं आ रही है,
इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा गैप है, और उस गैप की वजह से हो क्या रहा है कि हमारे सोसाइटी के लोग हैं उनको बहुत भारी मात्रा में कीमत है, पैसा वो चुकाना पड़ रहा है फैसिलिटी के लिए। तो देख लेते क्या है। देखो, नीति आयोग ने पहले तो एक ड्राफ्ट एक एजेंडा लेके आई थी 3 ईयर्स का प्लान, क्योंकि जैसा आपको पता है कि 5 ईयर प्लान है वो तो अभी बंद हो गए 2017 के बाद, तो इसीलिए अब 3 ईयर एक्शन एजेंडा है वो लगा था नीति आयोग का, और उसमें फोकस किया गया था हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है, और इसीलिए इस बार के बजट में आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है वो लाई गई थी। आयुष्मान भारत में जैसे हमने डिस्कस भी किया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ और टर्सरी जो हेल्थ केयर है, इन सब पे फोकस किया गया, और इन तीनों की फैसिलिटी और पैसा उनको प्रोवाइड करवाने की बात है वो की गई है। ये सारा बेसिकली थोड़ा हमने बैकग्राउंड यहाँ पे देख लिया। बट आज के इस आर्टिकल में बेसिकली एक तो थोड़ी तमिलनाडु की केस स्टडी है कि भाई तमिलनाडु में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात थी वहां पे भी कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर को दोनों को सामने आना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। देखो, हमारे देश में क्या है कि जिस इंसान के पास पैसा है ना वो तो अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है, बाकी किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता है, अपना गुजारा ही एक तरह से धक्का देकर अपनी गाड़ी है वो चला सकता है। बाकी अदर कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। जैसे इंडिया के अंदर आप एक चीज देखो कि किसी इंसान को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है, मानो कि लीवर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसके पास लीवर ट्रांसप्लांट करवाने के अगर पैसे नहीं है तो वो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकता, क्योंकि काफी कई बार तो ऐसा लगता है कि 2-2 साल तक वेट करने की वेटिंग लिस्ट है वो आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से सोल्यूशन नहीं होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद भी काफी लंबी प्रोसीजर होती है, काफी लंबा ट्रीटमेंट है वो चलता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी पॉकेट से भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, पॉकेट ऑफ एक्सपेंस है वो लगभग 70% ज्यादा होती है। जैसे ये मान लो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, बट इसके साथ ही मेडिसिन वगैरह और जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं ना उनको फोकस यहाँ पे गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही है, तो उन खर्चों को भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ मेडिसिन बहुत लंबी चल रही होती है तो उनका गवर्नमेंट यहाँ पे ध्यान है वो नहीं दे रही है। बाकी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में क्या होता है कि सभी को इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है कि हाँ भाई ये एकदम गरीब आदमी है उसको भी अगर लीवर चाहिए और अगर अवेलेबल है तो उसको दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पहले अमीर है तो पैसे दे दिए और वो अपना एडजस्ट कर ले, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जबकि इंडिया में इस चीज़ को तवज्जो दी जाती है कि भाई आप पैसे वाले हो तो ठीक है, आप कहीं से भी ऑर्गन ले हो, हम आपका सेटलमेंट है वो कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए हमारे देश में कोई भी क्लियर रूल रेगुलेशन ऐसा नहीं है कि कैसे तो हमें प्रावधान रखना है। अभी कुछ न्यूज़ पहले सामने ही आई थी कि देखा जाए तो फॉरेनर्स को ऑर्गन है वो ज़्यादा ट्रांसप्लांट किया जा रहे हैं, इंडिया के लोगों को ऑर्गन नहीं दिए जा रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं एक इश्यू सामने उभर के आया था। बात जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रीटमेंट काफी लंबा होता है, आउट ऑफ एक्सपेंस वो लगभग 70% होते हैं, इसके बावजूद भी लोग है वो ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते हैं। कई बार कुछ लोग है ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो करवा लेते हैं, बट जो आगे का खर्चा होता है वो लोग वो है नहीं कर सकते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि भाई अगर आगे का जो खर्चा है दवाइयों मेडिसिन वगैरह का, टाइम टू टाइम उसके आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस वगैरह भी करवाने होते हैं, वो नहीं हो पाएंगे तो हेल्थ आगे कहाँ सही रहेगी, तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वो फेल हो जाते हैं धीरे धीरे, और भी ज़्यादा समस्या है, और ज़्यादा डिजीज है वो बढ़ने लग जाती है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डिजीज बर्डन इंडिया में फिर बढ़ता रहता है। ये बातें यहाँ पे बेसिकली सामने आई हैं। अब देखो, बात करें हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हालत काफ़ी डामाडोल रहती है, मतलब लोगों को भरोसा ही नहीं है, इवन गवर्नमेंट पे कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तो बात लोग करते ही नहीं है, काफ़ी सारे कई बार इश्यू सामने आते हैं कि कैसी लापरवाही सामने की जाती है, वो सारी बातें यहाँ पे आई। इसके बाद में बात करें प्राइवेट हेल्थ के लिए, तो प्राइवेट हेल्थ के जो सेक्टर हैं आप बोल सकते हो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, बट इसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। इनको इनका मेन मोटो सिर्फ एक ही होता है, भाई पैसा कमाना, और इसीलिए ये करते क्या है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह होता है इसमें काफ़ी बड़े रैकेट सामने आते हैं। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली के अंदर आपको पता है कि अपोलो के अंदर किडनी रैकेट सामने आया, तो मतलब कहीं ना कहीं धांधली करते रहते हैं, पैसों की तरफ ही उनका ध्यान है वो रहता है, सोसाइटी की तरफ इनका कोई फोकस नहीं रहता कि भाई हम कोई सोशल वेलफेयर के लिए भी काम है वो करें। इसके बाद में राइटर को सजेशन दे रहे हैं, राइटर का ये कहना है कि देखो हमारे देश में गवर्नमेंट का जो मोटो है ना वो है प्रिवेंटिव केयर के बारे में, मतलब कोई भी डिजीज नहीं हो इसके पहले ही बचाव किया जा सके, जबकि गवर्नमेंट को एक काफ़ी अच्छा स्टेप तो लिया गया है, बट फिर भी इस पर ढंग से फोकस करना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट ने केवल बातें कह दी कि हाँ भाई हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर फोकस कर रहे हैं, उसके लिए एक्शन भी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, और अगर कई बार गलती से भी कोई डिजीज हो जाती है छोटी मोटी तो उसके लिए पहले से जो प्रोग्राम वगैरह है वो सेट करके रखने चाहिए, स्कीम में पहले क्लियरिटी होनी चाहिए। कई बार गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है बट फिर भी पैसा नहीं देता, जैसे आप खुद ही देख लो कि आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के बीमे की बात है। अब आप ये खुद देखिए कि अगर किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना तो भाई 5 लाख में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पैसा तो कहाँ से देगा, अगला इंसान अपनी खुद की प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ बेचेगा तो बेचारा वैसे ही गरीब हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट को इन की तरफ भी स्टेप उठाने चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि आपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ले लिया तो इसके बाद में सब कुछ सोल्यूशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लास्ट में राइटर वो ये कह रहे हैं कि हमें देखा जाए तो एक तो स्ट्रॉन्ग फोकस करने की इस चीज़ पे जरूरत है कि जो भी हमारी पॉलिसी है वो ढंग से काम करें, इसके साथ ही साथ जो अथॉरिटी है इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए लो या फिर आप हेल्थ केयर के लिए, उनको यहाँ पे फोकस करते हुए चलना होगा, और पॉलिसी को थोड़ा एक अच्छी अप्रोच है वो देख के आगे काम है
करवाना होगा। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस है वो किए गए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल हमारा है वह है साउथ कोरिया के बारे में। तो इसमें दो ही पॉइंट हमारे लिए कुछ काम के यहाँ पे आ जाते हैं, तो वो हम देख लेते हैं, आईआर के नजरिए से भी देख लेते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या सीन है वो चल रहा है उसे भी हम एक बार देखते हैं। तो पहले तो देखते हैं हम थोड़ा मैपिंग, ये चलते हैं हमारे इंडिया की तरफ और एक सेकेंड, हाँ ये आ गया हमारा इंडिया यहाँ पे। अब ये यहाँ पे होगा आपको पता है ब्यो बंगाल, और यहाँ पे होगा साउथ चाइना सी ये वाला एरिया, और यहाँ पे होगा ये एक सेकंड थोड़ा जापान वापान ऊपर भाग गया था, ये होगा यहाँ पे जापान और ये होगा नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया। इसको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को दोनों को मिला के इस वाले एरिया को कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। अब देखो सीन ऐसा है कि जो साउथ कोरिया है इसमें भी यूएसए ने काफ़ी थोड़ा सपोर्ट किया था, यहाँ पे पहले थार्ड जो डिफेंस सिस्टम था यूएसए ने वो डिप्लॉय कर दिया था, तो उस चीज़ को लेकर चाइना को थोड़ी आपत्ति हो गई थी कि यार भाई ऐसे कैसे कर रहे हो आप हमारे पड़ोसी देश के हेल्प लेके, मतलब कहीं ना कहीं आप हमें नुकसान पहुंचाने की बात है वो कर रहे हो। तो इसीलिए साउथ कोरिया और चाइना के अंदर भी खिंचातानी हो गई थी, जिससे यहाँ पे माहौल वैसे ही ठीक नहीं था पहले और वो ज़्यादा माहौल वो बिगड़ने लग गया था। ऑलरेडी आपको पता है कि चाइना और जापान की बिल्कुल नहीं बनती है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो रहते हैं, और साउथ चाइना सी के अंदर आपको पता ही है कि आसियान कंट्रीज और चाइना के अंदर किस तरीके से माहौल यहाँ पे बना हुआ, एक वैक्यूम सा बन के क्रिएट है वो हो रखा है। अब हम यहाँ पे बात करें देखो कोरियन और हम कह सकते हैं साउथ कोरिया और इंडिया की थोड़ी स्टेट जो सेम सेम है, क्योंकि कोरिया की जो पॉलिसी है ना साउथ कोरिया की, मतलब यहाँ पे साउथ कोरिया की पॉलिसी है वो है कि न्यू साउथर्न पॉलिसी, मतलब कोरिया का साउथर्न हिस्सा कौन सा हुआ ये वाला हुआ, मतलब इस वाले हिस्से पे फोकस करने की बात यहाँ पे की जा रही है, जैसे थाईलैंड हुआ, वियतनाम हुआ, लाओस हुआ, कंबोडिया हुआ, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया जो हुआ, इस वाले एरिया पे ज़्यादा फोकस वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि साउथ कोरिया को अगर इधर से ट्रेड करना होता है या वेस्टर्न अफ्रीका से तो उसको इसी रास्ते से आना होता है, और इस वाले रास्ते के अंदर देखा जाए तो इन एरियों की आसियान कंट्रीज की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है वो हो जाती है। ये तो हो गया साउथ कोरिया का एंगल। अब बात करें हम इंडिया की, इंडिया का सीन क्या है, इंडिया की है लुकिस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आई थी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब क्या था, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया वगैरह के साथ हमें रिलेशन है वो अच्छे इंप्रूव करने हैं और यहाँ पे फोकस वो करना है। मतलब साउथ कोरिया भी ये चाहता है कि इस वाले एरिया पे फोकस किया जाए और इंडिया भी चाहता है कि इस वाले एरिया पे फोकस हो किया जाए, दोनों का प्लान है वो सेम ही है, इसलिए दोनों एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस वाले एरिया में आके काम वो कर सकते हैं, जो होगा इंडो पैसिफिक रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। इंडो का मतलब होगा इंडियन ओशन वाला एरिया, पैसिफिक का मतलब होगा यहाँ पे पैसिफिक ओशन वाला एरिया, तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है इस वाले एरिया में दोनों कंट्रीजों साथ आके काम कर सकती हैं मिलके, जिससे बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक रिलेशन है वो इंप्रूव होंगे, इसके साथ ट्रेड वगैरह तो बढ़ना ही है, टूरिज्म वो सब चीज़ें बढ़ेंगी जैसा कि एज यूजुअल हम डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इस वाले एरिया के साथ भी हमारे टाइज वो बढ़ जाएंगे और जिससे हमें इकोनॉमी के साथ और भी कई तरीके के बेनिफिट वो होने वाले हैं और हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उससे बन सकती है। तो यही बात यहाँ पे वो की गई है। तो राइटर के द्वारा बताया गया कि देखो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट सेम है, तो दोनों कंट्रीज इस वाले एरिया में साथ आके अगर काम करती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चाइना को भी काउंटर वो किया जा सकता है, क्योंकि चाइना इस वाले एरिया में थोड़ी ज्यादा गिरी है, ज्यादा ही दिखा रहा होता है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।